Next, we have to continue with question number second. The length, breadth, and height of a room are 5 meter, 4 meter, and 3 meter respectively. Find the cost of the whitewashing the walls of the room and the ceiling at the rate of 7.5 per meter square. Okay, we have given a room jiska length hai 5 meter, breadth hai 4 meter, aur height hai 3 meter. Hame इस रूम की चार दीवार और सीलिंग को वाइट वॉश करना है. हमें ये फाइंड करना है कि इन चार दीवार और सीलिंग को वाइट वॉश करने के लिए कितना पैसा लगेगा. अगर 1 meter स्क्वायर को वाइट वॉश करने का प्राइस है 7.5 rupees, तो ठीक है. इन शॉर्ट हमें इस रूम का चार दीवार और सीलिंग यानी कि 5 side का पहले तो एरिया फाइंड करना होगा और फिर हम इसको वाइट वॉश करने के लिए कॉस्ट फाइंड करेंगे. Clear? So let's do it. So as we have seen in a question, students, what we have given is हमें यहाँ पे एक room का length, breadth और height दिया हुआ है जो कि है 5 meter, 4 meter और 3 meter respectively. हमें इस room को white wash करना है. अब इस room को white wash करने के लिए 1 meter square का price है 7.5 rupees. तो हमें ये find करना है कि पूरे रूम में चार दीवार और सीलिंग इतने पार्ट को वाइट वॉश करने के लिए कितना चार्जेस लगेगा. तो फॉर दैट हमारा पहला काम होगा 4 walls और सीलिंग का एरिया निकालना. यानी कि अगर हम रूम को एक क्यूबॉइड की तरह कंसिडर करें तो इन दैट केस हमें 5 sides का एरिया फाइंड करना है. ठीक है. सो एरिया ऑफ वॉल्स एंड सीलिंग दैट कैन बी फाउंड लाइक दिस. फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड करना होगा चार दीवार का एरिया और फिर उसमें हम सीलिंग का एरिया जो है वो प्लस कर देंगे. सो वी हैव एरिया ऑफ 4 walls यानी कि लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सीलिंग जो कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जो काम किया है वही हमें यहाँ पे करना है. लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला दैट विल बी लाइक 2h (l + b) और एरिया ऑफ सीलिंग दैट विल बी l × b बिकॉज सीलिंग जो है वो होगा कैसा रेक्टेंगुलर शेप का. सो दैट इज l × b. अब बाय अप्लाइंग द वैल्यूज वी विल हैव 2 × हाइट इज 3 meter l + b यानी कि 5 + 4 दैट इज 5 + 4 एंड l × b दैट इज 5 × 4. नाउ 3 × 2 = 6, 5 + 4 = 9 एंड 5 × 4 = 20. 6 × 9 करेंगे दैट विल गिव यू 54 + 20 यानी कि ये हो जाएगा आपका 74 meter square. तो चार दीवार और सीलिंग का जो एरिया है वो हमें मिल गया है 74 meter square. अब हमें फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग. तो फॉर दैट इफ द एरिया इज 1 meter square कॉस्ट फॉर द वाइट वॉशिंग इज 7.5 rupees. तो हमें जो एरिया मिला है वो 74 meter square है. 74 meter square के लिए कॉस्ट जो है वो कितना हो जाएगा. तो हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कॉस्ट मिल जाएगा. सो फॉर दैट कॉस्ट विल बी इक्वल टू 74 × 7.5. हम लोग क्या करेंगे 74 को 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर लास्ट में पॉइंट पुट कर देंगे. सो दैट इज 75 × 74. 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28 + 2 = 30. फिर 7 की बारी आएगी तो पहले लगाएंगे 0. 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49, 49 + 3 = 52. अब इनका प्लस कर दो 0, 5, 5, 5 और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पॉइंट लगेगा लास्ट से एक डिजिट से पहले. यानी कि कॉस्ट हमें मिल गई है 555 rupees. Is that clear?